ਬਿੱਟੂ ਦੱਸ ਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤਰੋ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੂਥ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਬਿੱਟੂ ਦੱਸ ਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ लुधियाना तो मैंबर पार्लीमेंट रवनीत सिंह बिट्टू वालों लगातार गर्म ख्यालियां अते खालिस्तान के समर्थकों के खिलाफ सोशल मीडिया के भड़ास कढ़ी जा रही थी जिस का हुण असर देखण नूं मिल रहा। लुधियाना जिला के पिंड मंडियाणी दे विच लाए गए नीह पत्थर नूं पिंड के एक कट्टरपंथी वालों भन्न दिता गया। नीह पत्थर भन्न वाले शख्स ने कहा कि ना तो बिट्टू नूं इस पिंड विचों वोटां मिलणगियां अते ना ही बिट्टू नूं इस पिंड विच आउण दी लोड़ है। इस वीडियो नूं लैके हुण रवनीत बिट्टू का भी जवाब सामने आया है। पहला तुसी वो वीडियो देखो जिस करके ये मामला भखिया सी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अभी गलियां नालियां पक्कियां करन करके बिट्टू हुणी अपने आ ला के गए आ नहीं पत्थर ला के गए आ। बिट्टू नूं दस्सदे भाई तू खालिस्तानियां नूं गलत बोलदा सिंघां नूं ते उहनां दा एरिया साडे लई मदद मुद कोई नहीं चाहीदी ठीक आ। इत्थे वोटां वाटां लैण दा ही ना तरो कि पिंड च बूथ लगना जे तूं कहे संधू वाले साडा कहिंदा कोई वैर नहीं हैगा ठीक है। तू साडा कोल लाता ही तेरे नहीं कोल लाते ठीक है। आज जो करना वो कर सकता आ तेरा नाम भन्न दे वीडियो वायरल हो जाने तो बाद रवनीत बिट्टू ने कहा कि जथेदार अकाल तख्त साहब वालों खालिस्तान के पक्ष की गल करन तो बाद अजिहियां घटना सामने आईयां ने। बिट्टू ने कहा कि उसने पहला ही यह चेतावनी दे दित्ती सी कि जथेदार के बयान के नाल पंजाब का माहौल खराब होगा जिसकी शुरुआत हो चुकी है। की कहना रवनीत बिट्टू का आओ सुनते हैं उन्होंने पूरा बयान। सत श्री अकाल जी। जिमें कि सारे मीडिया के चैनल्स से मैं देखिया जिहड़ी एक 12 तरीक नूं पिंड मंडियाणी दे विच जिहड़ा हलका दाखा दे विच एक खालिस्तानी पक्षी ने उत्थे कई इहो जिहियां गल्लां कीतियां ते जिहड़ा फाउंडेशन जां नीह पत्थर जिहड़ा स्टोन सी उहनूं उत्ते गुस्सा ला रहा खालिस्तान दे नारे लाउंदा होइआ। मैं बार बार ये गल कही सी, मैं बेनती कीती सारिआं दे चरणां च वी इह जदों रेफरेंडम शुरू हो गया कन्नू दी कोई गल नहीं, पर जदों अकाल तख्त साहब जथेदार ने सपोर्ट करती खालिस्तान की यह गल्लां होणीआं ही होणीआं है। तो हुण यह मंदभागी गल वापरी भी तो उत्ते तुसीं दसदे हो जिहड़ा अनलॉफुल जिहड़ा एक्ट बनिआ है प्रिवेंशन एक्ट बनिआ उहदे दे तहत केस बणे होए ने A2020 नाल जुड़े हुए। तकरीबन एक जगह सुसाइड आ जिहड़ी वह एक नौजवान ने कर ली आ ते जथेदार साहब हजे भी वक्त आ। देखो मैं तो यह जो नौजवान आ जिहदी यह वीडियो वायरल की जा रही है मैं एकदम पिंड वालिआं नूं इलाके वालिआं नूं कहा भी कोई इहदे नाल इहो जिही गल ना करिओ जिहड़े खालिस्तान के उल्ट ने जिहड़े अपने देश पंजाब की गल करदे। कल नूं इहदे नाल कोई ऐसी घटना वापर जे तो ये कोई ऐसी गल हो जाती तो वह साढ़े ते आनी सी एकदम सारे रोकिया भी यह गल कोई कर ना दे कि सारे मैसेज लाओ। दूजे पासे इनू पुलिस ने जो पंचायत ने ये खिलाफ शिकायत की पुलिस लैके गई इन मैं SSP साहब न DSP साहब न गल करके उदों ही इनू छिड़वाया भी ये कोई परचा दर्ज ना करो ये आ मैसेज आ रहे हैं जथेदार साहब ने स्पीच की है जिद ना भटके आजियां गल् ना हो। मैं तो मैनू देखो मैं कला कि यह गल करता रहा कि कहता रहा लोगों लगता पता नहीं की है पर यह गल्ला सामने आ गई ना। मैं ये चीजा चलिया है ता ही थोड़े मूहे फिर दोबारा खास तौर पर अकाली दल के जिन्होंने जेब चो जथेदार जी बने ने उन्होंने बेनती कर सारे पंजाबी बेनती कर भी यह खालिस्तान की गल ना कर सपोर्ट ना कर जिहड़ियां गल् खास तौर पर पिंडा च ना हो। मैं तो यह कहूँगा सारे पुलिस भी उसका ख्याल रखे ये आप ही हम 2020 वाले उहदे नाल कोई वारदात कर सकते हैं फिर इल्जाम आ जिहड़ा अपने ते लाउणगे देश ते लाउणगे पुलिस ते लाउणगे भी आके रवनीत बिट्टू ने यह इहदे नाल जिहने खालिस्तान की गल की सी उहदे नाल आ गल करवाती। मैं तो इस गलों बड़ा डरिया हुआ भी सारे कितने उहदी सुख शांति नाल उहदे ध्यान रखियो इलाके वाले भी उहदे नाल कोई ऐसी गल ना हो जाए ते अग्गों जिहड़ा भी कोई ऐसी गल करदा उहनूं कुछ नहीं कहना उहनूं समझाओ ते पर वड्डी गल जथेदार साहब प्लीज हाथ जोड़ के थोड़े चरणा तुसीं तां बहुत बड़े हो जथेदार हो यह गल नूं वापस लै लो ये खून खराबा होण तों रोक लो नहीं ये गल रुकनी नहीं गल बहुत वधेगी। मेरी दुबारा बेनती है हाथ थोड़े चरणा च बेनती है पंजाब दे खातर पंजाबियां खातर ये खालिस्तान दी रेफरेंडम दी गल करनी बंद कर दो।
ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।